2017 की एक वो तस्वीर है जब यूपी में दो अच्छे लड़के एक साथ एक मंच पर आ गए थे, जिसे गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम बताया गया था। हालांकि उस चुनावी रिजल्ट के बाद ये मिलन मुश्किलें नहीं नामुमकिन हो गया और अब अखिलेश यादव भी साइकिल पर ज्यादा बोझ लादने वाले नहीं हैं। समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि कई दल जो हैं, जिनसे बातचीत हो रही है या बातचीत हुई है या उन्होंने कभी कभी मदद की है, छोटे दलों से तो एडजस्टमेंट होगा लेकिन बड़े दलों से कोई गठबंधन नहीं होगा। और ये दूसरी तस्वीर 2021 की है जब प्रियंका अखिलेश की मुलाकात हुई। बात हुई जहाज एक, लेकिन इस बार दोनों के रास्ते जुदा हैं। लखनऊ से लेकर लखीमपुर तक, किसानों से लेकर कानून व्यवस्था तक, सड़क पर दिख रही प्रियंका गांधी तमाम मुद्दों पर प्रतिज्ञाएं कर चुकी हैं। 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान भी कर चुकी हैं। हम लोग ना 40% महिलाओं को टिकट देना चाहते हैं। ये लोग जब सत्ता में आते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, और आजकल राजनीति जो है सब जातिवाद पे इन्होंने आधारित कर दी है, धर्म पे आधारित कर दी है, लेकिन राजनीति क्या होती है? राजनीति का मतलब है विकास लाना। दरअसल बड़े दलों के साथ बड़ा नुकसान उठा चुके अखिलेश यादव अब छोटे दलों को साथ लेकर चुनावी समर में उतरने का मन बना चुके हैं। इसमें ज्यादातर के पास कोई चुनाव चिन्ह भी नहीं है। ऐसे में सहयोगी दलों के कैंडिडेट भी साइकिल चिन्ह पर ही चुनाव लड़ेंगे। छोटे दल के साथ नफा नुकसान की बात करें तो रालोद के साथ सपा पहले से ही गठबंधन के रिश्ते में है। रालोद के साथ रहने पर पश्चिमी यूपी में जाट, किसान और मुसलमान वाला समीकरण सिद्ध हो सकता है। महान दल वाले केशव देव मौर्या करीब साल भर से सपा के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। महान दल की बात करें तो कुशवाह, शाक्य और सैनियों के बीच उनका प्रभाव है। वहीं ओम प्रकाश राजभर भी अब बिना किसी शर्त के सपा की साइकिल पर सवार होने की सौगंध खा रहे हैं। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। चुनावी सीजन में ये कहावत समाजवादी पार्टी पर सटीक बैठ रही है, इसीलिए वो बड़े दलों से दूरी बना रही है। वहीं देखना ये भी दिलचस्प होगा कि प्रियंका की प्रतिज्ञा बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की बजाय समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाएगी।